स्वास्थ्य कर्मचारी ना सिर्फ दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं और हमें कोरोना जैसी बीमारी से बचा रहे हैं, बल्कि कुछ स्वास्थ्य कर्मी ऐसे भी हैं जो एक कदम आगे बढ़कर हमें पर्यावरण के महत्व को समझा रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में सेवाएं दे रही नर्सिंग ऑफिसर सपना चौधरी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। सपना चौधरी ने अपने घर में एक अनोखा बगीचा बनाया है। उस बगीचे में ना सिर्फ तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं, बल्कि जिन गमलों में उन पौधों को लगाया गया है वो भी सपना ने खुद ही तैयार किए हैं। जैसे एक दो एनिमल्स के प्लांटर्स बनाए थे, तो उससे क्या हुआ कि जो मेरे आस पड़ोस के जो बच्चे हैं छोटे, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इन प्लांटर्स को देख के, कि ये मतलब टोटली डिफरेंट हैं, ऐसे मार्केट में हमें मिलते नहीं हैं। तो वो लोग, वो जो बच्चे थे ना छोटे छोटे, वो भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके मेरे घर के बाहर, मतलब कि सुबह शाम उन्होंने आना ही आना है देखने के लिए, कि चलो अपने पेरेंट्स को बोलते थे कि हमें एनिमल्स सिखा के लेके आओ। खास बात है कि ये सारे गमले घर में निकलने वाले कचरे से तैयार किए गए हैं, जो कि देखने में बेहद सुंदर हैं। इन्हें अलग अलग जानवरों के चेहरे का रूप दिया गया है। उन्हें इसे तैयार करने में 8 महीने का वक्त लगा है। उन्हें इस रंग बिरंगे गार्डन को बनाने की प्रेरणा एक दिलचस्प घटना से मिली है। भगवान की तरफ से एक फिक्स्ड होता है कि जब आपने कोई काम में अपने ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, तो वो शायद मेरे लिए लास्ट ईयर आया वो वक्त, और वहाँ से मैंने प्लांटिंग करना शुरू करी। और जब मैं देखती थी वहाँ पे कि बहुत सारी वैरायटी प्लांट्स की मेरे को देखने को मिलती थी, तो मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने घर में भी 3-4 प्लांट्स लगाऊं। सपना चौधरी सिर्फ पौधों को अपने घर में लगाना चाहती थी, लेकिन बाजार में मिलने वाले गमले बेहद महंगे थे, इसलिए उन्होंने घर में पड़े प्लास्टिक की बोतलों और डिब्बों से ही गमले बनाने शुरू कर दिए। खाली बोतलों और डिब्बों से अलग अलग जानवरों और इंसानों की कलाकृतियां बनाई और उन्हें बेहद सुंदर रंगों से सजाया भी। उन्होंने इनमें अलग अलग तरह के पौधे लगा दिए। इसके अलावा उन्होंने बगीचे की दीवारों को भी खुद पेंट किया है, जो बगीचे की सुंदरता में 4 चांद लगा रही हैं। ऐसी शुरुआती दौर में मेरे पास ऐसे कुछ एक दो कंटेनर पड़े थे, उनपे मैंने, मेरे किसी यूज के नहीं थे, वेस्ट था मेरे लिए, उनपे मैंने ऑयल पेंट से कुछ पेंटिंग अच्छे से ड्रॉ करके पिक्चर्स, और उनको मैंने पेंट किया और उसमें प्लांट्स मैंने ग्रो करे। तो 3-4 ऐसी मैंने प्लांटर्स बनाए, और जैसे ही मैंने बनाए तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और उस अप्रिशिएशन से मेरे को इतनी की मोटिवेशन मिली कि फिर मैं धीरे धीरे ऐसे, मैंने जो मेरे पास और वेस्ट मटेरियल था, ऑयल कैंस थे, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स थी, उनके साथ मैंने डिफरेंट शेप्स में उनको कन्वर्ट करने की ट्राई करी। सपना चौधरी अपने बगीचे के जरिए ना सिर्फ लोगों को ये संदेश दे रही हैं कि वे कचरे को फेंकने के बजाय उसका सदुपयोग करें। हम अपने घरों में पौधे लगाएंगे तो हम कम से कम अपने घर और आसपास का वातावरण साफ रख पाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों को कचरे का सदुपयोग भी करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।